हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, केपीआई ग्रीन एनर्जी और केपीआई एनर्जी में गुड न्यूज़ है जो कि आने वाले दिनों में हो सकता है कंपनी के लिए बढ़िया साबित हो। सबसे पहले केपीआई ग्रीन की बात करेंगे तो केपीआई ग्रीन में आज हमें अपर सर्किट देखने को मिला क्योंकि इसका रिकॉर्ड डेट है स्प्लिट का 18 जुलाई रिकॉर्ड डेट है। कल आखिरी चांस है बाय करने का क्योंकि बाद में बुधवार को छुट्टी है, जिसके कारण शेयर में हमें बाद जिनको भी इसका बेनिफिट लेना होगा स्प्लिट का वो कल बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। तो अभी भी एमओ ऑर्डर केपीआई ग्रीन में 38,000 शेयर्स की लगी हुई है बाइंग के लिए, जो कि पॉजिटिव बात है। गुड न्यूज़ क्या है, प्रमोटर ने अपना होल्डिंग जून क्वार्टर में बढ़ाया है 0.01% से। तो कंपनी के प्रमोटर जब होल्डिंग बढ़ाते हैं तो कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, ये प्रमोटर को कॉन्फिडेंस है, ये दिखता है, जिसके कारण ही प्रमोटर अपना होल्डिंग बढ़ाते हैं। और उसके अलावा FII ने भी अपना होल्डिंग KPI ग्रीन एनर्जी में 0.45% से जून क्वार्टर में बढ़ाया है, वो भी पॉजिटिव है, गुड न्यूज़ है KPI ग्रीन एनर्जी के लिए। KPI एनर्जी की बात करेंगे तो शेयर अभी ठंडा चल रहा है, बट जैसे ही क्वार्टर वन के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर होगी इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी, जो कि जल्दी हमें उम्मीद है कंपनी की ओर से आएगी। कंपनी का क्या ओर से गुड न्यूज़ क्या है कि जून क्वार्टर में प्रमोटर ने अपना होल्डिंग 0.21% से बढ़ाया है और FII ने अपना होल्डिंग 0.05% से KPI एनर्जी में बढ़ाया है। तो KPI ग्रीन एनर्जी और KPI एनर्जी दोनों में भी प्रमोटर भी अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और FII भी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोनों भी अच्छे शेयर है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो इन दोनों शेयर्स को आप पोर्टफोलियो में होल्ड करने के बारे में सोच सकते हो, जिसमें प्रोमोटर्स और FII लगातार अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।